हेलो दोस्तों, कोबाटा किंग चाइना में आपका स्वागत है। हम आपको कोबाटा के आज रोलर के बारे में बताएंगे। इसका बेयरिंग जो थोड़ा जल्दी टूट जाता है, तो इसका एक उपाय है। यहाँ जो दो बेयरिंग लगा है, इसकी जगह आप चार बेयरिंग लगा सकते हैं। यहाँ ये हमने बना के रखा है। इसमें हम इस साइड दो और इस साइड दो लगाएंगे, जिससे इसका ताकत दोगुना हो जाएगा और आसानी से टूटेगा भी नहीं। इसमें हम एक एनबीसी का, एक एस्केप का बेयरिंग का यूज़ किए हैं, क्योंकि ना एनबीसी का बेयरिंग को बाहर लगाए हैं, जिससे इसका लोहे का सिर थोड़ा टिकाऊ रहेगा और अंदर का पूरा दोनों सिर को खोल निकाल दिए हैं। थोड़ा देखिए, यहाँ पे दो ये हमारे पास और है बेयरिंग। हमारे पास यहाँ पे दो बेयरिंग और है, जैसे कि ये हमारा एस्केप का है जो हमारी इस साइड लगाएंगे, और दूसरे साइड हम लोग एनबीसी का बेयरिंग लगाएंगे। आपके पास दो ना हो तो कोई एक भी लगा सकते हैं, लेकिन जो अंदर साइड रहेगा उसका सिर को निकाल देना दोनों साइड का, और बाहर का रहेगा उसका एक सिर, यहाँ का एक साइड का सिर को निकालना है। हम लोग ये बेयरिंग को लगाने के बाद आपको बताएंगे फिर से कि कैसे निकाल कर एक एक को लगाएंगे, फिर से लगा के बताएंगे आपको। बेयरिंग को लगाने के लिए हम लोग पहले दो पुराना कागज लगाएंगे, फिर उसके ऊपर एक बोल्ट दे देंगे, क्योंकि हमारे पास तीन कागज नहीं है। और यहाँ से थोड़ा हथौड़े से मारेंगे ना, जिससे ये लग जाएगा। ठीक है, आप कमेंट में बताइए कि कौन सा बेयरिंग अच्छा है, एस्केप एस्केप का अच्छा है या एनबीसी का। नेक्स्ट टाइम उसी का बेयरिंग लगाएंगे हम लोग भी। और यह बेयरिंग TSR-05 का है, जो हमको मार्केट में 250 रुपये में मिला है, जिसका MRP 300 रुपये है। और एस्केप का बेयरिंग जो है हमारा, ये एस्केप का बेयरिंग है, जिसका MRP 380 रुपये है, 380 रुपये है, और हमको ये 290 रुपये में मिला है। आपके यहाँ कितना मिलता है कमेंट में बताइएगा।